क्या हुआ? ये रहा, ये इसके लिए बेहतर रहेगा। अब आपकी बारी है पेरिन, आपको बस इस पेड़ को रोशन करना होगा और फिर इस साल का क्रिसमस बेहतरीन हो जाएगा। अब तुम क्रिसमस की जादूगर हो पेरिन, लोगों को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल लूसियस। हम इंतजार कर रहे हैं पेरिन। तुम कर सकती हो। मुझे लगा था तुम कर दोगी, मुझे तुम पर यकीन था। मुझे तुमसे और ज्यादा उम्मीद थी पेरिन। हम सब ने कोशिश की मेरे प्यारे भाई। खड़े खड़े देख क्या रही हो? हाँ? सबको जवाब दो, ये क्रिसमस के शुरू होने से पहले। क्या कहा? कौन सा वाला पेरिन? मुझे जवाब दो। फिर से सपने देखने लगी पेरिन। क्या ये कोई सपना था? ऐसा कुछ नहीं है पेरिन, ये कोई सपना नहीं है। नहीं, ये एक बुरा सपना था। ये तो हम सारा दिन करते रहते हैं, थोड़ा आराम कर लें। क्रिसमस ट्री को रोशन करने के बाद तुम आराम कर सकती हो। अभी ऐसा होने में 3 दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें चुनना है कि गार्लैंड किस रंग का होगा। अब बताओ तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? चमकता हरा, चमकता नीला या फिर एक्वामरीन? तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद है बताओ? उनके पास इतना दिमाग नहीं है पेरिन, इस बात का फैसला तुम्हें करना है, उन्हें नहीं। तो फिर चमकता हुआ नीला? वैसे देखा जाए तो अब तक चमकता नीला इस्तेमाल हुआ है। तो फिर मेरी पसंद क्यों पूछी? क्योंकि तुम ही क्रिसमस जादूगर हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि सही रंग चुनो। हाँ, तो फिर इस बार चमकता हुआ हरा रंग ही ठीक रहेगा। अरे हाँ, कागज की बर्फ। क्या हम असली बर्फ यूज नहीं कर सकते? ऐसा करने से क्रिसमस बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। असली बर्फ? पिछले 100 सालों से असली बर्फ का इस्तेमाल नहीं हुआ है और यही ठीक है। कितनी गंदी है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉइल पेपर या साधारण पेपर? कॉइल पेपर सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर साधारण पेपर। जादुई छड़ी ठीक से पकड़ो। मुझे पता है, पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खराबी है या फिर मुझे इसे ठीक से पकड़ना नहीं आ रहा है। क्रिसमस की जादुई छड़ी में कोई खराबी नहीं। लूसियस और मैलोरी ने उसे तोड़ दिया था, फिर वापस भी जोड़ दिया। अब ये ठीक है। हेलो, देखो मैं आ गया क्रिसमस की जादूगर से मिलने। हाय पेरिन, मार्कस। हे, सॉरी। मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए। मार्कस, तुम एल्ड्रिक को थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं देते हो? ब्रेक लेने के अलावा वो करता ही क्या है। संभल के। हाय पेरिन, आज तुम कमाल की लग रही हो। क्या बात है पेरिन, क्रिसमस की जादूगर हो तुम। मैंने तुम्हें कहा था ऐसे मत बोलो। लेकिन क्रिसमस के हर जादूगर को ये खिताब मिलता है। मुझे और भी काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जादूगरों की गलती आप किसी को तो सुधारनी ही पड़ेंगी। और प्लीज अपना सारा पेपर वर्क आज रात तक खत्म कर देना। मार्कस, मुझे कैसे पता चलेगा क्या सही है? क्रिसमस की जादूगर तुम हो पेरिन, मैं नहीं हूँ। ओके मार्कस, तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। मैंने सुना उसके वर्कर्स ने कुछ नई चीजें खोजी हैं। मुझे अब बेहतरीन कलेक्शन मिल गया है। सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सुनो, तुम्हें कभी मेरे घर पे आके देखना चाहिए पेरिन। ओह सॉरी। ठीक है पेरिन, तुम अभी ये कर सकती हो। यहाँ बस दो ही चॉइस है। हरे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसे ट्रेडिशनल चॉइस कौन सी है? ये वाली? एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड दीजिए। ऐसे क्या देख रहे हो? वाह, ये कितना बड़ा है। और अब पेरिन के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं जब वो हाँ, मेरा मतलब है सिर्फ 3 दिन बचे हैं जब क्रिसमस की जादूगर इसे रोशन करेगी। मुझे क्रिसमस बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पसंद है? यहाँ पर और बड़ी झालर होनी चाहिए थी। ये छोटी है और किसी काम की नहीं है। इन्हें अभी के अभी उतारो और बड़ी वाली लाओ। लगता है मार्कस खंडर की ओर जा रहा है। तुमसे बात करके अच्छा लगा दोस्त। लगभग सभी खंडहर सुधार लिए गए हैं सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारा बिल्डिंग मटेरियल इकट्ठा हो गया है। प्लान के मुताबिक देखा जाए तो तुम अपने काम में करीब 2 दिन पीछे हो। तुम अब तक कर क्या रहे थे? गाने और खाने में वक्त बर्बाद मत किया करो। चलो भी मार्कस, इन्हें थोड़ा ब्रेक दे दो। ये दिन रात काम करके थक गए होंगे। यहाँ पहले से कोई है जो कि सारे लोगों का ब्रेक ले लेता है। पता नहीं क्या सोचा था जो इसको काम पर रख लिया था। ये सब लूसियस और मैलोरी की गलती की वजह से हुआ है, जो अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। तुम बाहर क्या कर रहे हो एल्ड्रिक? मैं ऐसे ही काफी लोगों से परेशान हूँ। नहीं, मैं तो बस तुमसे यहाँ मिलने आया था। मैंने सुना है कि तुम्हारे वर्कर्स ने कुछ पुरानी और ऐतिहासिक चीजें खोज निकाली है। हाँ, वो छोटी मोटी चीजें वो वहां रखी हैं उस बाल्टी में। ओह वाह, ओह वाह, ये तो कमाल की है। मैं इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। समझ नहीं आता ये कचरा जमीन में से कैसे निकलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मार्कस। हाँ, कम से कम अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। तुम्हारा जब मन करे मेरे घर पर आ सकते हो दोस्त। मेरे पास इन सबका भंडार है। हाँ, बहुत जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगा। कभी भी आ जाना। चुपचाप कहाँ जा रहे हो तुम? नो सर। मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे पेपर वर्क करना है। गुड नाइट। सॉरी। असली बर्फ सैकड़ों सालों से यूज नहीं की गई है और अब इसका कोई फायदा नहीं है। अगर ये मेरी पसंद होती तो पूरे क्रिसमस में असली बर्फ की चमक होती। क्या ये बुरा है? नहीं, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन ये वो है जिसकी सबको उम्मीद है। क्या फर्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूं? हाँ, ये लोग कहां जा रहे हैं? मेरे इंतजार में ये लोग यहीं पर सो गए। तुम सब घर क्यों नहीं चले गए? कैसी हो डियर? मेरी क्रिसमस मैलोरीज, आपकी यात्रा कैसी रही? मजेदार रही। तुम अंदर तो आओ। अच्छा, आप दोनों की तो अभी रिटायरमेंट की तैयारी चल रही है ना मैलोरीज? अंकल पेरिन। तुम हमारे बारे में इतनी गहराई से मत सोचना। बात क्या है मेरी बच्ची? मुझे नहीं पता। हाँ। कुछ नहीं या फिर बहुत कुछ। मैं चाय बना के लाता हूँ। काम जल्दी से करने के लिए क्या आप जादू का इस्तेमाल करेंगे? जल्दी शायद, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं और वैसे भी उससे स्वाद कम हो जाता। तो क्या परेशानी है पेरिन? लगता है मुझे थोड़ी एडवाइस की जरूरत है। हम क्रिसमस के काफी करीब है और आप भी क्रिसमस के जादूगर हो। आप जानते हैं ये कैसे होता है? क्यों नहीं? बिस्किट। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि मुझे क्रिसमस पसंद नहीं है और मैं सबकी उम्मीद पर खरी उतरने की कोशिश भी कर रही हूँ। मैं तो बस किसी को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। तुम क्या चाहती हो पेरिन? हर कोई सारा दिन मुझसे पूछता रहता है कि मैं क्या चाहती हूँ और मैं कहती हूँ हाँ, नहीं, चमकता हुआ हरा, लाल, झालरें, छोटी मालाएं और स्पार्कल्स। लेकिन शायद मैं गलत हूँ और मार्कस मेरी हर गलती सुधारता है। तो ये बात है। देखो, चाय भी तैयार हो गई और अब हमारे पास लंबी बातें करने के साथ साथ कुछ पीने को भी है। तुम्हें चाय कैसी चाहिए? जरा सी शक्कर, पर दूध मत डालना। ओह, जरा सी शक्कर और दूध भी नहीं। हमारे पिताजी खास तरीके से चाय पसंद किया करते थे। 2 चम्मच शक्कर तब जब बर्तन आग पर ही रखा हो और दूध तो हमेशा बाद में डालते थे। वरना आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कितनी जरूरत है। और कभी भी शक्कर को वो फ्लेवर के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने कभी किसी और तरीके से नहीं पीने दी। क्या मुझे शक्कर नहीं लेना चाहिए था? नहीं मेरी बच्ची, तुम्हारा दिल जो चाहे वो करना चाहिए। मेरा भाई चाय में बहुत ज्यादा शक्कर लेता है। और आप अंकल? मैं चाय नहीं पीता क्योंकि मैं कॉफी पीता हूँ। दुनिया में चाय के प्याले जैसा कुछ भी नहीं, तो तुम्हें कैसी लगी? ये परफेक्ट है, थैंक यू। परफेक्ट? क्या सच में तुम्हें और शक्कर नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से तुम्हें और शक्कर लेनी चाहिए। नहीं नहीं, थैंक यू, मुझे ज्यादा मीठा पसंद नहीं। ज्यादा मीठा? तुम कहना चाहती हो कि मेरी चाय ज्यादा मीठी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जितना चाहिए आप ले सकते हैं, पर मेरे लिए ये काफी है। तो तुम्हें पता है कि तुम क्या चाहती हो? क्या हम सिर्फ चाय के बारे में बात कर रहे हैं? मेरे हिसाब से हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो तुम्हें चाहिए। मैं बस किसी को दुखी नहीं करना चाहती। क्रिसमस मेरे लिए बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। पेरिन, तुम क्रिसमस की जादूगरनी हो। यही साल का वो वक्त होता है जब हर कोई तुमसे जवाब की उम्मीद करता है। मुझे पता है, इसीलिए तो परेशान हूँ। हमें माफ कर दो बच्ची, हमारा ऐसा कहने का कोई गलत इरादा नहीं है। हम बूढ़े लोग हैं, जो दिमाग में आता है बोल देते हैं, बुरा मत मानना। आप मेरी जगह होते तो क्या करते अंकल? ओह, हमारे पास बहुत वक्त था और देखो हमने उसे गंवा दिया। हमारे जैसा मत बनो पेरिन, खुद के लिए रास्ता बनाओ। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और क्रिसमस की आत्मा तुम्हारे अंदर बहुत मजबूत है। हम बस ये देखने को उतावले हैं कि तुम क्या कर सकती हो। आप एल्ड्रिक की तरह बात कर रहे हैं। वो चाहता है जादूगर के तौर पर मैं एक खास जगह बनाऊं दुनिया में, लेकिन पता नहीं उम्मीद पर कितनी खरी उतरूंगी मैं। वो लड़का जानता होगा, वो हमेशा मेरी एक पुरानी किताब पढ़ा करता था। वो पुरानी कहानियाँ अब उसकी नई कल्पना में बदल गई। मैं दावा कर सकता हूँ कि वो हर जादू के बारे में दिल से जानता होगा। एल्ड्रिक, चाय के लिए शुक्रिया। मैलरिक, लूसियस, मुझे अब जाना होगा। क्या मैं पीछे के दरवाजे से जा सकती हूँ? आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। मेरी पेंटिंग बना रहे हो तुम? पेरिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी तुमसे यही सवाल पूछने वाली थी। तुम इसे अभी नहीं देख सकती हो, ये तो क्रिसमस का तोहफा है। ओह, ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू एल्ड्रिक। मैं मैलरिक और लूसियस के लिए पहले ही बना चुका हूँ। ये किस बारे में है? ये इतिहास की नई किताबें हैं। मेरी इस पूरी लाइब्रेरी में क्रिसमस के कई जादूगरों के बारे में किताबें हैं। मैंने सोचा अब कुछ नया होना चाहिए। तुमने मेरे बारे में क्या लिखा? अभी तक तो कुछ नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। मुझे पता है ये सब बेवकूफी है ना? क्या? मेरा मतलब, असली से अगर तुलना की जाए तो उनके शब्दों को देखो, चित्र को देखो, सब कितने अच्छे हैं। मार्कस सही कहता है, मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मार्कस की बातें सुनना बंद कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। और दूसरी बात, अपने काम की तुलना इन किताबों से मत करो। माना कि ये किताबें मास्टरपीस है, लेकिन फिर भी तुमको अपने काम की तुलना इनसे नहीं करनी चाहिए। उससे अच्छा है तुम अपने काम पे और ध्यान दो और उसे बेहतर बनाओ, है ना? थैंक्स पेरिन, तुम हमेशा एकदम सही कहती हो। हे, इससे मुझे पहले पन्ने का आइडिया मिल गया है। मैं यहाँ नीचे तुमसे महान जादूगरों के बारे में पूछने आई थी। तुम्हारा मतलब पुराने जादूगर? हाँ बिल्कुल, अगर तुम बहुत बिजी हो तो मैं बाद में भी आ सकती हूँ। क्या तुम सच में मुझसे पुराने जादूगरों के बारे में जानना चाहती हो? हाँ सच में। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें बताऊं अपने सबसे पसंदीदा विषय के बारे में? मेरा मतलब मुझे कुछ तो पता ही होगा उनके बारे में। इस तरफ मेरे पास एल्ड्रिक की सारी इतिहास की किताबें हैं। उनका टावर पुराने शहर में गिर रहा था जो यहां से बहुत बहुत ही ज्यादा दूर है। इन सब में वो सारी कहानियां हैं जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये वाली सबसे अच्छी है क्योंकि इसमें पिक्चर्स हैं। आई एम सॉरी पेरिन, दरअसल यहाँ बहुत धूल जमा हो गई है क्योंकि मार्कस के लोग ऊपर काम कर रहे हैं। क्या अभी तक काम चल रहा है? लेकिन अभी तो रात हो चुकी है। सच में? तुम यहाँ पर कितनी देर से हो? मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तुम इसे देखो। ये सभी बहुत ही कमाल के थे, है ना एल्ड्रिक? हाँ, ये सभी के सभी क्रिसमस की आत्मा से जुड़े हुए थे, जैसे कि तुम। खैर मतलब हाँ, लेकिन तुम इन्हें एक साथ नहीं मिल सकती थी। ये सभी के सभी बहुत खास थे। उन सब के पास अपना एक खास जादू था। ये सभी बर्फ की चादरों के बादशाह हैं, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, और सभी को एक तोहफा देते थे। ये कौन है? ये तुम्हारी नजर खास चीजों पे जाती है। ये द स्नो किंग है। द स्नो किंग? ये जहाँ भी जाती सरदीन के साथ जाती, और ये जो भी सोचते वो सच हो जाता। क्या मतलब है इसका? ये इच्छाओं को पूरी कर सकते थे? मेरे ख्याल से वो अपनी खुद की इच्छाओं को ही पूरा कर सकते थे। ये लिखावट बहुत ही पुरानी है, हो सकता है वो अपने सपनों को सच करते थे। ये तो कमाल के हैं। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि वो एक कमाल के क्रिसमस जादूगर थे। तो अब ये कहाँ है? पहले क्यों नहीं सुना इनके बारे में? ये ज्यादा समय तक नहीं रहे, लेकिन ये बहुत कमाल के थे। ये हर साल अपने क्रिसमस की आत्मा को देखते थे, और वो भी तब तक देखते थे जब तक उनके शरीर में वो समा नहीं जाती और वो बर्फ में बदल जाते थे। पुफ। वो एक बेहतरीन जादूगर थे। ये सच में बेहतरीन क्रिसमस के जादूगर हुआ करते थे, है ना? हाँ, तो तुम भी कम नहीं हो, तुम भी बहुत बेहतरीन हो। इनके हाथ में ये क्या है? पता नहीं, मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इसे देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। ये जो भी इच्छाएं रखते थे पूरी होती थी। तुम्हारे पास अगर स्नो किंग की शक्तियाँ होती तो तुम क्या इच्छा रखते? पता नहीं, मुझसे पहले किसी ने ऐसा सवाल नहीं किया। खुद पर यकीन होने की इच्छा रखती मैं, जिस यकीन से हमेशा उन्हें पता होता था क्या करना है। बहुत अच्छे। मैंने यही कहीं तो इसे रखा था। ये रहा। ये बहुत सुंदर है। तुम्हें अच्छा लगा तो रख लो इसे। क्या सच में? इसे क्रिसमस का तोहफा समझ लो, और क्या पता इसे देखकर तुम्हें हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। तुम्हें इस चीज की जरूरत है ना? थैंक यू एल्ड्रिक। और मैं ये किताब लेकर जा सकती हूँ? मैं स्नो किंग के बारे में और भी जानना चाहती हूँ। किताब भी? कोई बात नहीं, तुम इसे ले जा सकती हो पेरिन। दुनिया से सामना करने का वक्त आ गया है एल्ड्रिक, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। तुम हमेशा इस गुफा में तो नहीं रह सकते ना। हाँ मैं जानता हूँ। ओह बहुत वक्त हो गया, मुझे बाहर निकलना चाहिए। हाँ, एक्सक्यूज मी मार्कस, लगता है इनसे काम करा करा के इनकी जान ले लेगा। लगता है ये तो मर ही गया। ए, हेलो हेलो, मैं पेरिन से बात करूंगा कि मार्कस को वो इस बारे में समझाए। ओह हाँ, ये तो असली बर्फ है। हेलो, क्या तुम्हें यकीन हो रहा है यहाँ बर्फ पड़ रही है? पेरिन जाग जाओ। मैं सोई नहीं हूँ, मैं जाग रही हूँ। तुम हमेशा सोती क्यों रहती हो? क्या तुम मुझे कभी ठीक से सोने देते हो? लगता है तुम यहाँ पूरी रात काम करने की बजाय सो रही थी। मैं छोड़ो, जाने दो। हमें क्रिसमस जादूगर की जरूरत है। क्रिसमस में कोई बिना बताए कैसे आ सकता है? बहुत बुरी बात है। हमारे पास वैसे ही पहले से बहुत काम है। आई एम सॉरी, ये किस बारे में है? यहाँ आओ, पहले यहाँ आके बैठो। कम से कम तुम खुश दिखने का नाटक तो कर सकती हो ना। कैसी हो पेरिन, क्रिसमस की जादूगरनी? आओ एल्ड्रिक, और तुम्हें भी मेरी क्रिसमस। मेरी अदालत में क्या समाचार लाए हो, जो कि नाश्ता करने तक इंतजार भी नहीं कर पाए? मैं ऐसी खबर लाया हूँ कि आप हैरान हो जाएंगी, तो स्वागत कीजिए द स्नो किंग का। द स्नो किंग? वो जहाँ भी जाते हैं बर्फ साथ चलती है। ध्यान दो। ओह हेलो मिस्टर स्नो किंग, मैं हूँ। मेरी क्रिसमस पेरिन। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? तुम्हारे बारे में सब बता चुका हूँ। मेरा मतलब तुम्हारी पेंटिंग्स और स्टैच्यू तो शहर में हर जगह है। स्नो किंग, आपका स्वागत है। हाँ? इसे कहते हैं असली किंग, है ना? कमाल के। क्या तुम्हें वो खुशबू आ रही है? या आखिर है क्या, पाइन? मैं नहीं समझी वो यहाँ कैसे आए। क्या सच में वो यही थे? वो 4000 साल पुराने हैं। हूबहू उस किताब के जैसे ही दिख रहे थे। 4000 साल क्या बकवास कर रहे हो? मार्कस, मुझे भी लगता है वो सच में स्नो किंग ही थे। वो महान क्रिसमस जादूगरों में से एक हैं। ऐसा कहा जाता है कि बर्फ के झोंकों में वो गायब हो गए थे। पुफ, किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और उसके बाद वो कहाँ गायब हो गए, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। कितने बेवकूफ हो। कहाँ जा रहे हो आप? जहाँ भी वो स्नो किंग गए। मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ मार्कस। क्रिसमस में सबका स्वागत है। पता नहीं ये क्या करने वाले हैं। कितना बड़ा जादूगर है। वाओ, इनको तो छड़ी की भी जरूरत नहीं है। लगता है स्नो किंग को मदद की जरूरत है। सब लोग अपने सारे सवाल अपने पास ही रखें। स्नो किंग हमारे खास मेहमान हैं। अब मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं हूँ मार्कस, क्रिसमस के जादूगर का असिस्टेंट। लगता है आप जल्दी में हैं। प्लीज मुझे बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगे, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। वैसे मैं नहीं कहूंगा कि हम खास दोस्त हैं, लेकिन हाँ अच्छे दोस्त जरूर हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं उनसे। जाओ अपना काम करो। इसके साथ तो मैं मुकाबला भी नहीं कर सकती। मैं हवा में गिफ्ट नहीं बना सकती और ना ही बर्फ से बिस्किट। और मैं तो ये भी नहीं जानती कि सही रंग की कैंडल कौन सी है, लेकिन क्रिसमस मेरे लिए इन सबसे ऊपर है। हालांकि ये बहुत सुंदर है। ये क्या? ये क्या बर्फ पड़ रही है? क्या क्रिसमस आ गया? नहीं, अभी कुछ दिन बाकी है। लेकिन ये बर्फ तो असली है। शायद, पर जो भी हो शहर वाले बहुत उत्साहित हैं। शायद नहीं, लेकिन ये कौन है? इसके बारे में कुछ याद आ रहा है। ये जो कोई भी है, मेरे ख्याल से ये आपका कोई पुराना चेला होगा। मुझे लगता है ये कोई अपने आप में खास है जिसका मार्कस पीछा कर रहा है। वाह, ये तो कोई जादूगर लगता है। क्या शख्सियत है इसकी। आपको क्या लगता है ये क्या ढूंढ रहा होगा? मैं नहीं जानता, लेकिन वो इस तरफ ही आ रहा है। गुड मॉर्निंग अजनबी, क्या तुम हमारे साथ एक चाय का प्याला पीना चाहोगी? या हो सकता है तुम जो ढूंढ रहे हो उसमें मदद मिल जाए। मैं वो संभाल लूंगा लूसियस। अब जब हम यहाँ रुक गए हैं तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये हमारे स्नो किंग हैं। मेरी क्रिसमस। मिलकर अच्छा लगा। ये बहुत ही ताकतवर जादूगर हैं। कम से कम खड़े हो सकते हो। हम खड़े खड़े काफी थक चुके हैं। अब हम यहाँ पीने का आनंद ले रहे हैं। ये है लूसियस और मैलोरस, ये पुराने जादूगर हैं। ओह, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अब हम रिटायर हो चुके हैं। अब ज्यादा क्या बोलना, ये तो स्नो किंग है। ओ। ओह, ये कितना अजीब है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। ओह, बर्फ भी बंद हो गई। क्यों ना तुम सभी मुझे अपने घर पे खाना खिलाने ले जाओ। ओह, एल्ड्रिक अब कस्बे के लोगों से दोस्ती करने लगा है। ओह, चलो अब अंदर चला जाए, यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प होने लगी हैं। तुम तो उन बूढ़ों से भी बदतर हो। सर, हम तो बस जरा सा आराम तब करना जब काम खत्म हो। क्या तुमने सोचा है हमारे मेहमान स्नो किंग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बोलो। खैर चलो सभी, अब दोबारा काम पर लग जाओ। चलो जल्दी करो। कितने आलसी हैं। ये सब उन बूढ़े जादूगरों की वजह से हुआ है। फिलहाल तो वो बस बातें करते हैं और चाय पीते हैं, लेकिन पहले उन्होंने जादुई छड़ी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने शहर के सबसे अच्छे हिस्से को बंजर बना दिया और छड़ी भी तोड़ दी, और उनके बीच जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह से उन्होंने फैसला किया कि एक दीवार बनाएंगे छड़ी की ताकत से। ऐसा करने के बाद वो छड़ी को दो हिस्सों में बांटकर अपने पास रखेंगे। उनके पिता का यह आलीशान शहर बंट गया। पहला हिस्सा क्रिसमस टाउन, जहां हम सब रहते हैं, और दूसरा हिस्सा पुराना टाउन, जहां एल्ड्रिक रहता है। पहले इस दीवार के करीब आना भी बहुत मुश्किल बात थी। पहले ये बहुत ही मजबूत हुआ करती थी, लेकिन अब ये बेकार हो गई है। इसकी ताकत चली गई। ये बेकार है उन बुढ़ों की तरह। फिर यह हुआ कि जादुई छड़ी को जोड़ दिया गया, दीवार को नष्ट कर दिया गया, और फिर पेरिन को क्रिसमस जादूगर बना दिया गया। और मैं यहाँ का कबाड़ साफ करता हूँ। क्या मार्कस ने बताया कि वो यहाँ की सफाई क्यों कर रहा है? उसने अपनी छड़ी से लगभग सब कुछ बर्बाद ही कर दिया था। मेरे ख्याल से स्नो किंग ने आज के लिए काफी कहानियां सुन ली। मैंने स्नो किंग के लिए टावर में कमरा बनवाया है। मुझे नहीं लगता वो वापस जाना चाहते हैं। अगर आप टावर में नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन वो चाहे तो मेरी जगह रह सकते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आप यहाँ पे जितना चाहे उतनी देर रुक सकते हैं, जिधर चाहे उधर घूम सकते हैं। मेरे वर्कर्स आपके लिए कभी भी कमरे बनवा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? हमने बहुत सारी ईंटें और पत्थर इकट्ठा किए, आप जो चाहे बना लें। तो फिर आप क्या चाहते हैं स्नो किंग? कमाल का है। अगर इनके पास जादुई छड़ी होती तो फिर ये क्या क्या कर सकते हैं। खामखा ये सब करने का नाटक कर रही हूँ। अगर मेरे क्रिसमस जादूगर बनने की किसी को परवाह नहीं है तो मैं जाके किताब लौटा कर आती हूँ। स्नो किंग, उम्मीद है कि आपको हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं हो रही है। मैरी क्रिसमस बैरन। ऐसा लग रहा है यहाँ हर चीज का ख्याल रखा जा रहा है। आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने भाई से जरा मिल सकती हूँ? हाँ। क्या बना रहे हो तुम? ये सब क्या है? क्या तुम्हें दिखता नहीं? यह एक सिंहासन है। सिंहासन? पर तुम सिंहासन क्यों बना रहे हो? वो एक राजा है और राजा के लिए एक अच्छी गद्दी होनी चाहिए। वो हमारे राजा नहीं है। हाँ जानता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हारी छड़ी कहाँ पर है? छड़ी को मैं सिंहासन के सामने रख के आई हूँ। चलो भाई पेरन, अब तुम कब स्वीकार करोगी? क्या स्वीकार करूँ? सब जानते हैं कि तुम क्रिसमस जादूगर बनने के लिए तैयार नहीं हो, और अब तो हमारे पास स्नो किंग है जो इस लायक भी है। तुम ये कैसे? मैं समझ सकता हूँ, पर कोई और चारा नहीं है। वो बूढ़े लोग हार मान चुके हैं। एल्ड्रिक तुमसे ये कभी नहीं कहेगा। वो तो तुम्हारे हर काम की पूजा करता है, और मैं तुम ये जिम्मेदारी मुझे तो कभी भी नहीं दोगी। ये मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे मान लिया है। पहले तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब रास्ता है जो सही है। मुझे लगता है तुम्हें उसे मान लेना चाहिए। छड़ी उसके पास होनी चाहिए जो उसे इस्तेमाल करना जानता हो। किसी ऐसे अजनबी को जो आधी रात में हमारे शहर में आया है ना मार्कस? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आसपास देखो पैरन, सब उन्हें पसंद करते हैं। अगर स्नो किंग के पास छड़ी होगी तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते पैरन। मुझे जाना होगा। ठीक है पैरन, अभी तुम जाओ। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो जरा इन सब की आंखों में देखो, तुम्हें अपनी जगह पता चल जाएगी। इस बारे में जरा सोचो। पैरन, प्लीज अंदर आ जाओ। तुम कहाँ थी मेरी बच्ची? क्या तुमने देखा कि मार्कस उस स्नो किंग के लिए एक आलीशान इमारत बना रहा है? मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। शहर के लोग वहाँ रात दिन काम कर रहे हैं। वो सभी बहुत खुश दिख रहे हैं। शायद वो यही चाहते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। तुम्हारी इस किताब में क्या है? बर्फ। मुझे लगता है स्नो किंग के पास खड़े रहने से हुई होगी। वो बड़ा ही अजीब किस्म का है। क्या एल्ड्रिक यहाँ पर है? मुझे उसकी किताब लौटानी थी। तुम्हें उसे वहाँ नीचे उसके स्टडी रूम में ढूंढना चाहिए। वो वहाँ भी नहीं था। क्या कहा? वैसे वो कल रात घर पर भी नहीं आया था। बहुत अच्छे दोस्त, मुझे भी बहुत मजा आया। तुमसे बाद में मिलता हूँ, ठीक है? ओह हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, शहर वालों के साथ टाइम बिता के मुझे बहुत मजा आया। मैं पूरी रात नहीं सोया। पेरिन, तुम मेरी किताब वापस लाई हो। मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे पास है। चलो आ जाओ, ऊपर चलते हैं। अभी? आ जाओ पेरिन, डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। तुमने देखा शहर में सभी स्नो किंग के लिए क्या बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रात भर उन्हीं के साथ मिलकर काम कर रहा था। जो बिल्डिंग बन रही है वो शायद यहाँ से भी दिख जाएगी। तुम उनके साथ काम कर रहे थे? क्यों? मैं उनकी मदद करना चाहता था। जब से मैंने वहाँ स्नो किंग को देखा ना, तो शहर वाले मुझे एक राजा की तरह महसूस करवा रहे थे। तुम्हें शायद पता होगा, शहर वाले पहले मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते थे। तो तुम्हारे दूसरे काम का क्या हुआ? वो इतिहास की किताबें और उनके बारे में तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? अब मुझे इतिहास पढ़ने की क्या जरूरत, जब इतिहास मेरे सामने ही रच रहा है। सुनकर अच्छा लगा एल्ड्रिक। हाँ सच में ऐसा लग रहा है तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। ओह हाँ बिल्कुल, इससे पहले मेरे कभी इतने दोस्त नहीं थे। और स्नो किंग के आसपास रहना मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत महान बन गया हूँ, समझ रही हो ना? मुझे भी लगता है, लेकिन मैं तुम्हारी तरह उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानती। और पता नहीं क्या मैं अकेली हूँ जो ये सोच रही हूँ कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पता नहीं मुझे जलन हो रही है कि मैं खुश हूँ कि इस वक्त वो यहाँ पर है। शायद मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरा मतलब मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन स्नो किंग को ये सबसे क्या फर्क पड़ता है। हाँ वो बहुत कमाल के हैं। तुमने देखा ना उन्होंने क्रिसमस के पेड़ के साथ क्या किया? पेड़ के बारे में बात करना फनी है क्योंकि मार्कस ने मुझे सलाह दी है कि मुझे अपनी जादुई छड़ी स्नो किंग को दे देनी चाहिए। हाँ, ये तो कमाल का आइडिया है। तुम सोच भी नहीं सकती कि क्रिसमस फिर कैसा होगा। बेहतरीन होगा। ये सच में बहुत ही अच्छा आइडिया है पेरिन। अपनी छड़ी देकर तुम क्रिसमस के लिए एक बहुत ही अच्छा काम करने वाली हो। ओह तो तुम भी यही चाहते हो? थैंक्स। वाह, ओह वाह, तो तुम क्या करने वाली हो? क्या मैं ये कर सकती हूँ? हाँ आज ही। आज? एकदम सही, जितनी जल्दी करो उतना अच्छा है। हाँ परफेक्ट। हुर्रे। चलो सबको बताते हैं, सब बहुत खुश हो जाएंगे। लो ये रहा। उदास मत हो, सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम भी जानती हो कि सबके लिए यही बेहतर होगा। तुम दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि सबके लिए ये बेहतर होगा? स्नो किंग ने कभी किसी को नहीं बताया कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। वो जो भी करेंगे अच्छे के लिए होगा और तुम्हें भी वही करना चाहिए। क्या सच में तुम यही करना चाहती हो? कोई शक नहीं है। अब जल्दी चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार करने दो, मैं पेरिन से बात करना चाहता हूं। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो अच्छा ना लगे वो मत करो। क्या फर्क पड़ता है मैं क्या चाहती हूँ? वही जरूरी है जो वो चाहते हैं। क्या? इसके साथ ही वो सब कुछ देना मेरा काम है जो वो चाहते हैं। और वो चाहते हैं एक असली क्रिसमस का जादूगर। क्रिसमस जादूगर। सभी ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। मेरी जादुई छड़ी मैं इन्हें दे रही हूं, ये लीजिए। Merry Christmas, Snow King. मुझे नहीं पता था ये हिल भी सकते हैं। वो हिल नहीं सकते। एक राजा ताज पहनता है और जादूगर छड़ी घुमाता है। अब क्रिसमस पूरे साल मनाएंगे। सब कहो मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस पेरिन। सारे वर्कर्स को जल्दी से जल्दी वापस लाओ। हमें हमारे नए क्रिसमस के जादूगर के लिए एक सिंहासन बनाना है। यस सर। मैं अपने कमरे में मिलूंगा। मुझे कुछ जरूरी चीजें पढ़नी है। तुम और स्नो किंग दोस्त हो ना? हो सकता है वो इन बड़े नटक्रैकर्स को हमारी मदद में लगा दें। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। एक्सक्यूज मी स्नो किंग, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि पिलर कितने भारी हैं। अगर आप थोड़ी मदद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। क्या आप अपने नटक्रैकर्स को भेज सकते हैं? जब से इन्हें पेरिन ने छड़ी दी है ये हिले तक नहीं है। पहले एल्ड्रिक जो कह रहा था वो क्या था? क्या सच में स्नो किंग 4000 साल के हैं? सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन देखने में तो ये वही लगते हैं। और उनका इससे क्या संबंध है? स्नो किंग, चिंता मत करो, मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने सोचा तुम दोस्त हो। क्रिसमस के जादूगर से ऐसे बात नहीं कर सकते। माफ कीजिए स्नो किंग, लगता है कि ये वर्कर्स आपके आलीशान सिंहासन के खंबे उठाने में सक्षम नहीं हैं। अगर आप हमें इजाजत दें तो हम इन सैनिकों की मदद भी ले सकते हैं। मुझे लगता है उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैं समझ गया। ये काम आपके लिए बहुत ही छोटा है। पूछने के लिए माफी चाहता हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है कि सब कुछ ठीक से करने में मुझे कितनी परेशानी होती है। ये कितना मुश्किल है। तुमने मदद मांगी भी कैसे? हाँ सर, लेकिन इन पिलर्स का क्या होगा? अगर एलरिक स्नो किंग का ठीक से सम्मान करता तो फिर हो सकता है स्नो किंग तुम लोगों की मदद कर देते। हे, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। तुम्हारे यहाँ होने से काम और बिगड़ जाता है। पर मैं तो काश मुझे इनमें से किसी की भी जरूरत ना पड़ती। काश मैं इन सभी नटक्रैकर्स को हुक्म दे सकता, फिर मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ना कोई शिकायत, ना वो थकते और ना उन्हें कोई ब्रेक चाहिए होता। फिर तो सिंहासन आज ही बन जाता। हाँ? क्या? ये कोई मामूली चीज नहीं है। कमाल है। थैंक यू स्नो किंग। अब सिंहासन का काम पूरा हो गया है। हमें वापस खंडहर में जाकर काम करना चाहिए। मुझे लगता है तुम सबको एक ब्रेक लेना चाहिए। मैंने सही कहा ना? सर, क्या ये कोई सवाल है? सबने बहुत अच्छा काम किया। अब तुम सबको इसकी खुशी मनानी चाहिए। अपने घर वापस लौट जाओ और क्रिसमस को अच्छे से मनाओ। और सच कहूं तो स्नो किंग नहीं चाहते कि तुम यहाँ पर फिर कभी वापस आओ बिना केक और कुकीज के। ये बात तुम्हारे लिए भी है। यस सर। मेरी क्रिसमस। लोगों को उनका क्रिसमस मनाने दो और मैं अपनी ताकत का मजा लूंगा। तो ये है एक रिटायर्ड जादूगर की जिंदगी। ये इतनी भी बुरी नहीं है। ये तो वैसे थोड़ी सी लगता है तुम ऊब चुकी हो। क्यों है ना? सोच रही हूँ आगे क्या होगा। अब मैं क्या करूँ? तुम अब भी दूसरों के भरोसे पर हो पेरिन। आपको लग रहा है मैं उदास हूँ? नहीं मेरी प्यारी बच्ची, बस तुम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो। मुझे लगा जादुई छड़ी देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने छड़ी के बारे में नहीं कहा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम किसी को दे तो सकते हैं लेकिन ले नहीं सकते। वो अंदर से आती हैं। तुम अपने सारे जवाबों के लिए अपने दिल से पूछो, वो तुम्हें मिल जाएंगे। सिंहासन का काम खत्म हो चुका है। स्नो किंग अपने नटक्रैकर्स के साथ काम कर रहे हैं तो मार्कस ने हमें आराम करने का आदेश। क्या कहा तुमने? मार्कस ने सबको आराम करने दिया? हाँ सच में, वो लोग काम पूरा कर लेंगे। उन्होंने कहा घर जाओ और क्रिसमस मनाओ। मार्कस काम करने वालों को आराम करने दे रहा है। क्या मैं सही सुन रही हूँ? अच्छा एल्ड्रिक कहाँ है? मुझे प्लीज अकेले छोड़ दो। नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। क्या हुआ तुम्हें? तुम नहीं समझोगी। समझा कर तो देखो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम्हें एक बात पता है पेरिन, मैं घंटों तक इन क्रिसमस जादूगरों के बारे में पढ़ा करता था कि वो कैसे होंगे, उनके साथ घूमने गए तो कैसा लगेगा और उनसे जुड़ी सभी कहानियां। लेकिन अब स्नो किंग यहाँ है। वो सच में यहाँ है और मैं वापस अपनी किताबों के साथ अपने घर में हूँ और वो मार्कस उनके साथ खड़ा है। उस मार्कस को तो 2 दिन पहले ये भी नहीं पता था कि स्नो किंग है कौन। तुम सबके साथ सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे लगा तुम उनके साथ ही होगे। मैं था लेकिन मैंने सब गड़बड़ कर दी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या तुम ये सब सोच रहे थे कि मेरे पास सभी जवाब है? बिल्कुल। हा 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 हा। इसमें इतना फनी क्या आया? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। वही तो मैं कह रहा था। क्या हम दोनों क्रिसमस पैराडाइज में रहने वाले दोस्त नहीं हैं? दोनों में से किसी को नहीं पता क्या करना चाहिए। वो क्या था? जरूर स्नो किंग के सिंहासन का काम चल रहा है। नट क्रैकरों को मैंने उसकी छत उठाते हुए देखा था। हे, हम स्नो किंग से भी सलाह ले सकते हैं। उनकी उम्र 4000 साल है। अगर कोई जानता है कि हमें क्या करना चाहिए तो वो है। मुझे नहीं पता, वो बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। वो शायद तुमसे बात भी ना करे। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। चलो एल्ड्रिक। रात को नजारा बहुत ही अलग है और डरावना भी। स्नो किंग, आपका नया सिंहासन आलीशान है। मैरी क्रिसमस पेरिन। मैरी क्रिसमस। इतनी रात में आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। हमें आपसे कुछ पूछना था। अब आपके पास सिंहासन है और क्रिसमस भी आ रही है। अब हम आगे क्या करें? स्नो किंग? हाँ, लगता है यहाँ पर दरवाजा लगाना पड़ेगा। स्नो किंग को तुम लोग इतनी रात को परेशान नहीं कर सकते हो। क्या वो ठीक है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? रात हो गई है और वो थक चुके हैं। इतना सारा जादू करना कोई आसान बात नहीं है। ये थका देता है। क्या बात सिर्फ इतनी सी है? याद है ना तुम्हें भी कितनी मुश्किल हुई थी? और तुम्हें तो केवल क्रिसमस ट्री को रोशन करना था। हे, तुम्हें ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम जाके अपने घर में छुप के क्यों नहीं रहते हो? यहाँ पर हमें और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। मार्कस, तुम्हारे पास मेरा पर्स क्यों है? और एल्ड्रिक की किताब भी? मैं इसे पढ़ रहा हूँ। जानकारी अच्छी होती है। मैं और अच्छे से स्नो किंग के काम आना चाहता हूँ और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा? बिना बताए क्यों लिया? तुम तैयारियों में व्यस्त थी इसलिए। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते। हो सकता है स्नो किंग के बारे में। देखो, ऐसा कुछ नहीं है और मेरे पास फालतू वक्त भी नहीं है। बहुत सारा काम करना है मुझे। कैसा काम? खंडहर की सफाई तो हो चुकी है, सिंहासन भी पूरी तरह तैयार है और हमको क्रिसमस की तैयारी भी नहीं करनी है। तुम क्या छुपा रहे हो मार्कस? तुम किसी को कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? बस, अब बहुत हुआ। मुझे अब काम करने दो। तुमने एल्ड्रिक का गिफ्ट भी ले लिया? हाँ, और मुझे पता है इसे कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इन घुसपैठियों को असली क्रिसमस के जादूगर से दूर ले जाओ। मार्कस, तुम क्या कर रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैरी क्रिसमस पेरिन। ये तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। क्या कहा? वो तो स्नो किंग है। ऐसा कहा जाता है कि वो बर्फ के झोंकों में गायब हो गए थे और किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ और वो कहाँ गायब हो गए। लेकिन अब वो वापस आ गए हैं। ये बहुत सुंदर है। तुम्हें पसंद आया? तो अब से ये तुम्हारा हुआ। ये इच्छाओं को पूरी कर सकते थे। ये सच में बेहतरीन क्रिसमस के जादूगर हुआ करते थे, है ना? ये तो हूबहू उस किताब की तरह दिखते हैं। स्नो किंग असली नहीं है। मैरी क्रिसमस पेरिन। ए, हमारे करीब आने की जरूरत नहीं है। हम जा रहे हैं हम लोग। हमें आप सबकी मदद चाहिए उस मार्कस और नट क्रैकर्स को रोकने के लिए। आपके सम्मान में क्रिसमस की जादूगर पेरिन, क्या तुमने स्नो किंग की जगह नहीं ली? हाँ, उन्होंने हमें क्रिसमस मनाने के लिए कहा और जब तक क्रिसमस का ये अवसर है हम लगातार उनके आदेशों का पालन करेंगे। अब ये म्यूजिक क्यों बंद हो गया भाई? मेरी क्रिसमस। लेकिन वो मार्कस है जो कोई बात नहीं एल्ड्रिक, अब मुझे पता है क्या करना है। सच्ची? बिल्कुल, तुम्हें पता ही होगा। मेरे साथ आओ। लूसियस, एल्ड्रिक, क्या आप सब घर पर हो? क्या हुआ पेरिन? हम जरा घर के अंदर ही छुपे हुए थे। मुझे आप सभी को जरूरी बात बतानी है। कहो। स्नो किंग मेरी वजह से यहाँ पर है। पर मैंने उन्हें ढूंढा था जंगल में। जब एल्ड्रिक ने मुझे स्नो किंग के बारे में बताया तो वो एक महान जादूगर लग रहे थे, बिल्कुल वैसा जैसा लोग मुझे देखना चाहते थे। लेकिन तुम उन्हें यहाँ कैसे लाई? तुम्हारा गिफ्ट ही उसकी चाबी थी जिसमें सपनों को सच करने की ताकत है। जैसे कि जो भी उन्होंने इच्छा रखी थी वो सच हो गई। हाँ क्यों नहीं, ये पुराना जादू है, ये हजारों सालों से खोया हुआ था और उन खंडरों में छुपा हुआ था। मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने स्नो किंग के यहाँ होने की इच्छा की थी। रुको, लेकिन तुमने उसके यहाँ आने की इच्छा क्यों रखी है बताओ? मुझे लोगों की चिंता हो रही थी, मुझे लगा था लोग एक नए क्रिसमस जादूगर को देखकर खुश हो जाएंगे जिसे खुद पर यकीन हो कि क्या करना चाहिए। वो वैसे ही थे। पेरिन, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं एल्ड्रिक, ये मैं ही थी जिसे खुद पर यकीन नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन अब जानती हूँ मैं ये सोचकर नहीं जी सकती कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जिसे जो करना है करे, लेकिन मैं अपने मन की करूंगी। क्या सच में मेरे बच्चे? क्या बच्ची? तुम उस पुराने जेवर को स्नो किंग को वापस भेजने में इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो? मैं कर सकती थी, लेकिन वो मार्कस के पास है। मार्कस के पास उसकी शक्तियां हैं। हमें सच में सोचना चाहिए कि बाहर क्या क्या चल रहा है। वो नट क्रैकर्स को काबू करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, शायद उसे उसकी पूरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। उसे हल्के में तुम बिल्कुल मत लो। मेरे पास वापस लाने का प्लान है, लेकिन उसके लिए सबकी मदद चाहिए। बताओ क्या मदद चाहिए? माना मेरे पास अब मेरी छड़ी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा जादू है। अब कुछ मजेदार होने वाला है। मार्कस, घर वापस जाओ। लूसियस, तुम मुझे नजरअंदाज करने के अलावा कुछ भी कर सकते हो। शायद तुमने सिंहासन इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम्हें नजरअंदाज किया जाए, इसलिए तुम टावर में रहने की बजाय एक छोटे घर में रह रहे हो। मैं तुम्हारी इज्जत करता था लूसियस, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए इज्जत महसूस नहीं होती। क्या मैं? तुम चाहते क्या हो? अब तक तो तुम शांत थे, फिर एकदम से तुम्हें क्या हुआ? मुझे तुम्हारी चिंता है, ऐसा लग रहा है तुम्हारे सर पर भूत सवार है। मैं यहाँ तुम्हें समझाने आया हूँ कि लोगों की चीजें कैसे वापस की जाती है। ओह, मैं सच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जब क्रिसमस के जादूगर राजा हुआ करते थे, असली ताकतों के बल पर, जब कोई भी उनकी काबिलियत पर उंगली नहीं उठाता था। मैं अब पहले के जैसा बेवकूफ नहीं हूं। तो तुम्हें पता चल ही गया। वो जगह है जहाँ सबसे पहले तुमने अपनी छड़ी रखी थी जादूगरों के युद्ध के बाद। ये बहुत पहले की बात लगती है, चलो इसे वापस लाते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मैंने सही कहा, मैं पहले के जैसा बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूं। तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, अब ये सब खत्म करने का वक्त है। तुम मुझे सुनाने वाले आखिर हो कौन? ये जितनी तबाही मची थी सब तुम्हारी और तुम्हारे भाई की वजह से मची थी। हमने जो किया वो गलत था, मुझे पता है, इसीलिए पेरिन ने छड़ी रखी। पेरिन को छड़ी का सही इस्तेमाल नहीं आता है, उसके पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, पर जिसे आता है वो मेरे काबू में है और मैं इस ताकत का इस्तेमाल करके एक नई दुनिया बनाऊंगा। मैं तो तुम्हें बस समझाने आया था, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नहीं मानोगे। जो भी हो, मुझे नया महल बनाने के लिए और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब ये है कि तुम यहाँ से जल्दी से निकलो, क्योंकि क्रिसमस टाउन को मुझे तबाह करना होगा। बाकी शहर वालों का क्या होने वाला है? वो तुम्हारे इस नए महल का उद्धार कैसे करेंगे? अब जो होने वाला है उन्हें उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, समझे? मैरी क्रिसमस! रोको उसे! शुक्र मनाओ कि मेरे हाथ खुले नहीं हैं, नहीं तो मैं तुम्हें सबक सिखा देता। तुम्हारी वजह से ही हम फंस गए। मैंने कहा था मेरे पास बस छोटा सा जादू है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा तुम अब किसी काम के नहीं हो। अब जब तुम सब कुछ जान गए हो तो मुझे सब कुछ जल्द ही पूरा करना होगा। क्रिसमस टाउन को खत्म कर दो, कुछ भी ना बच पाए। मुझे एक भी घर नहीं दिखना चाहिए, सब तबाह कर दो। मार्कस, रोको इसे। लूसियस, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, तुम तो ये सब छोड़ चुके हो, अब कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं, क्रिसमस के जादूगर लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये सब नहीं करते। लोगों को जानने की जरूरत है कि सही क्या होता है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, फिर लोग मुझ पर भरोसा करने लगेंगे। थैंक यू। पकड़ो उसे। क्या बात है, ये लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे बिना इसके। क्या सोच रहे हो एल्ड्रिक? हमें आजाद करो और उन्हें जाने से रोको। सही कहा, करता हूं, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं? मेरी क्रिसमस पेरेंट। ये सिर्फ तुम्हारा जवाब क्यों देते हैं? इस बार मेरी सुननी पड़ेगी। जाओ उन्हें पकड़ो। पहले कि सब कुछ बर्बाद हो जाए, इन्हें रोक लो। इन सबको चुप करो। रुको, एल्ड्रिक, एल्ड्रिक, कहाँ हो मेरे बच्चे? क्या हुआ यहाँ? स्नो किंग कहाँ है? इन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। आखिर होगा भी कैसे? ये असली नहीं है। तुम्हें पता है कि तुम अब क्या चाहती हो, पेरिन? हाँ पता है। तो उसे वापस लो जो तुम्हारा है। तुम हर चीज वापस ले सकती हो। तुम नहीं समझे, मैं चीजों को वैसे नहीं चाहती जैसे थी, मैं उन्हें सही करना चाहती हूँ। क्या? मैं विश करती हूँ। मेरी क्रिसमस पेरिन। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जादुई छड़ी को ठीक करना है, जो बहुत जरूरी है। क्या ये तुम्हारा जादू था? क्या तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हारी छड़ी कहाँ है? वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मुझे उसकी अब जरूरत नहीं है। कुछ अच्छा करने में मेरी मदद करोगे ब्रदर? क्या करने जा रही है? अब जो उसके मन में होगा। क्रिसमस का मतलब हवा में गिफ्ट्स बनाना नहीं होता, ना ही बर्फ से बिस्किट बनाना होता है, और ना ही कैंडल्स के सही रंग का पता लगाना होता है। आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ समय बिताने का मतलब क्रिसमस होता है, और जिन्हें मदद की जरूरत है उनकी मदद करने का मतलब क्रिसमस होता है। मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया। मुझे कितना अच्छा लग रहा है। क्या ये क्रिसमस स्पिरिट ही है? तुमने मुझे लिखने के लिए बहुत कुछ दे दिया पेरिन, तुम परफेक्ट हो। नहीं, परफेक्ट नहीं हूँ, पेरिन हूँ, और ये मेरे लिए काफी है। मैरी क्रिसमस पेरिन, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एवरीवन। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.